अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लोगों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने योग के फायदे भी बताए और कहा कि योग के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा स्वस्थ रहते हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी योग की नसीहत दी है। इसके अलावा उन्होंने बिहार में होने वाली विपक्षी एकता को लेकर भी तंज कसा और कहा कि जिस धरती पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण कांग्रेस मुक्त का नारा दिया था, वहां लोग जयप्रकाश नारायण के नजदीक रहने वाले कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं। इसके साथ उन्होंने जानकारी दी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जो 24 जून को झंझटपुर में प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर आने वाले थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को लखीसराय आएंगे, जहां सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान श्री कृष्णपुरी पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी सम्राट चौधरी ने भाग लिया। हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? योग के बारे में सभी जानते हैं, हमारे यहाँ तो साधु संतों ने इसकी शुरुआत की, मेडिटेशन के तौर पर पूरा अभ्यास किया और पूरे जगत में शांति हो इसके पूरे चीजों को स्थापित। आज नरेंद्र मोदी जी इसी चीज का प्रयास कर रहे हैं कि देश के लोगों को शांति मिले, स्वस्थ रहें और इस देश को महान बनाने में सारे लोगों का प्रयास सफल हो। अगर योग करते तो बिहार सरकार से भी जो है जो भी। अब देखिए प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों के बड़े हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी, वो लगातार इसलिए फिट भी रहते हैं कि वो योग के माध्यम से काम करते हैं। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग ये भी चाहते हैं कि वो स्वस्थ हों और आधे स्वस्थ रहें, बिहार के विकास के लिए काम करें और बिहार के विकास के साथ साथ इस अपने भी स्वस्थ रहेंगे तभी तो बिहार का विकास कर पाएंगे। सर, मणिपुर हिंसा मामले में जेडीयू ने हमला बोला, कहा कि जो 9 साल बेमिसाल आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं एक तरह से जश्न है, वहाँ कोई लोग नहीं देख रहे हैं, ज्यादातर भाजपा के लोगों को केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये इनको समझने की जरूरत है कि वहाँ पूरी तरह सरकार सचेत है, सारे चीजों को इंटरप्रेट कर रही है, वहाँ देख रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सारी व्यवस्था को भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब लोग पक्षपात वाले नहीं है, वहाँ एक एक चीजों को, एक मामले जो कोर्ट के द्वारा आदेश के दिया गया उसके बाद वहाँ हिंसा फैली, तो ये सारे चीजों पे चिंता किया जा रहा है। और ये बिहार सरकार में जो आज लोग बैठे हैं, इन लोगों ने कितना बिहार को जलाया इसका इतिहास भी नहीं, अभी बताऊंगा तो बहुत लंबा लिस्ट है। बिहार में होने जा रहे क्या? नहीं, जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम अभी पोस्टपोन्ड है, अमित शाह जी का 29 तारीख को बिहार का कार्यक्रम है, इसमें आएंगे।